गाइज आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है सिवाय एक के, पाकिस्तान को अब गधे ही बचा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में गधों की दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी है। पाकिस्तान में अभी 5.7 मिलियन डंकीज अवेलेबल है और चीन को अभी डंकीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर चीन आखिर इन डंकीज का करते क्या है? दरअसल दोस्तों चीन की एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसे बनाने के लिए गधों के स्किन की जरूरत पड़ती है। चाइनीज लोग ये मानते हैं कि इस मेडिसिन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होती है और इम्यून सिस्टम भी ठीक होता है, पर असल में इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बस वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसी वजह से चीन में डंकीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से चीन में मौजूद डंकीज पहले से ही मारे जा चुके हैं। 1992 से 2019 तक चीन में 76% डंकीज की कमी हुई है, इसलिए चीन को डंकीज बाहर से इम्पोर्ट कराने की जरूरत पड़ रही है और पाकिस्तान को अभी पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। मतलब डूबते पाकिस्तान को डंकीज का सहारा।